आज की वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है जिन्हें स्ट्रेट हेयर पसंद है। हर किसी को पसंद होते हैं, मुझे भी पसंद है, आपको भी पसंद होगे। लेकिन पार्लर में हेयर ट्रीटमेंट कराना मतलब बालों को डैमेज करना है। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। क्या आप जानते हैं कि पार्लर में जाकर जो रिमोल्डिंग एंड स्मूथनिंग आप अपने बालों में कराते हैं उसमें यूज होने वाली क्रीम कितनी ज्यादा हार्मफुल होती है? नहीं पता, क्योंकि अगर पता होता तो आप कराते नहीं। लेकिन आपको शाइनी बाल चाहिए, स्ट्रेट बाल चाहिए तो करेंगे ना बिना पार्लर जाए, बिना करके घर पर ही रिबॉन्डिंग, जो आपके बालों को बाउंस देगा, वो साइन देगा, वो लाइफ देगा, जो पार्लर में किए जाने वाले रिबॉन्डिंग एंड स्मूथनिंग से भी आपको नहीं मिलती। इतने खूबसूरत रिजल्ट आपको इसके मिलते हैं और साथ ही इसके यूज से हेयर फॉल कम एंड हेयर ग्रोथ ज्यादा होती है। सो लेट्स स्टार्टेड। स्टेप वन, आपको अपने बालों को अच्छे से सुलझाना है ताकि कोई भी उलझन आपके बालों में ना रहे। स्टेप टू, ऑयलिंग। इसके लिए आप एक बोल में कोकोनट ऑयल ले लीजिए। मैं यहाँ पैरासूट कोकोनट ऑयल ले रही हूँ, आप वर्जन कोकोनट ऑयल ले लीजिए जो आपके पास अवेलेबल हो। तो कोकोनट ऑयल लेने के बाद आपको इसको हीट कर लेना है डबल बॉयलर मेथड से, क्योंकि हमें हल्का गुनगुना तेल चाहिए। अब इस गुनगुने तेल को आपने अपने बालों में अप्लाई करना है। स्कैल्प से लेकर लेंथ तक आपने इसको अपने सारे बालों में अप्लाई करना है बिना उलझाए, और हल्के हल्के हाथों से मसाज भी करनी है। ये आपके क्यूटिकल्स को बाइंड करता है। जब आपके बाल डैमेज दिखते हैं, फ्रीजी दिखते हैं, ड्राई दिखते हैं, तो क्या होता है, आपके बालों के जो क्यूटिकल्स होते हैं वो खुल जाते हैं, तो उसको हमें वापस बंद करना है। और कोकोनट ऑयल से बढ़िया कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो आपने कोकोनट ऑयल को अपने बालों में अच्छे से अप्लाई करना है और फिर बालों को दोबारा से कोम करके बंद बना लेना है। इसके बाद आपने गर्म पानी में भिगो करके एक टॉवल लेना है और अपने बालों को इस तरह से कवर कर लेना है। अप्रोक्सीमेटली 10 टू 15 मिनट्स आपने टॉवल को इस तरह से रखना है और उसके बाद हटा लेना है। अगले स्टेप के लिए आपने प्रिपेयर करना है एक मास्क, जिसके लिए आपने वन बनाना को पीसेज में कट करके ब्लेंडर जार में डाल देना है। साथ ही आप इसमें ऐड करें 2 से 3 विटामिन ई कैप्सूल, जो कि बालों को टूटने नहीं देता। कोकोनट मिल्क ऐड करें, जो कि नारियल गोले को पीसकर ब्लेंड करके मुझे प्राप्त हुआ है। आप चाहे तो मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। तो 2 से 3 चम्मच आप इसमें कोकोनट मिल्क ऐड करें और अच्छे से ब्लेंड कर लें। लिक्विड फॉर्म में ये बनकर रेडी होगा, जिसे आपने स्ट्रेन कर लेना है, छान लेना है। यस, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, बनाना मास्क, क्योंकि जो फाइबर लास्ट में बचते हैं वो बालों में अटक जाते हैं, परेशान करते हैं। लेकिन अगर आप इसको स्ट्रेन कर लेते हैं सो इट इज वेरी सिंपल, कोई ग्रेनुअल आपके बालों में नहीं आएगा और आपको अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे। तो आपका ये हेयर मास्क बनकर रेडी है। आप इसे स्कैल्प से लेकर लेंथ तक अपने सारे बालों में अप्लाई कीजिए, 1 से 1.5 घंटा रखिए और शैम्पू कर लीजिए। शैम्पू करने के इंस्टेंट बाद आपको अपने बालों में वो साइन दिखेगी, वो चमक दिखेगी, जो शायद पार्लर में जाकर भी ना मिले। गाइज, एक बार, सिर्फ एक बार इस होममेड रिबॉन्डिंग ट्रीटमेंट को करके देखिए, आपको रिजल्ट पार्लर से भी अच्छा मिलेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सो जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे आने वाली न्यू अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।